फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने दो पार्ट में भाग किया है। पहले पार्ट में आज मेरा बड़ा बेटा जा रहा है इंडिया, मतलब दिल्ली जाएगा वो, पहले वहाँ से वो जाएगा राजस्थान। उसकी फ्लाइट है 7 बजे आज, तो अभी वो रेडी होके बस निकलना पड़े हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए दुबई में। आज उसका टर्मिनल 2 से फ्लाइट है रात में 10 बजे, जब अभी वो जाएगा। टर्मिनल 2 में, तो अभी मेरा बड़ा बेटा तो जो रवि किरण वो जा रहा है इंडिया बैक दिल्ली तक। उसकी फ्लाइट है अभी रात को 10 बजे, अभी 7 बजा होगा यहाँ पे। हम लोग भी कल जा रहे हैं, सुबह हमारा फ्लाइट है। कल आपको मिलेंगे हम एक न्यू ब्लॉग के साथ, देखना आप। ओके, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो। आज है 31 जुलाई संडे, आज हम निकल पड़े हैं। हमारा फ्लाइट है आज दुबई से वाया दिल्ली, हम कोलकाता जाएंगे। तो 10:50 को दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, फिर वहाँ से शाम को 6:50 को हमारा कोलकाता से फ़्लाइट है। बस अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर। अभी टर्मिनल हमारा इमिग्रेशन और सब कुछ चेकिंग वगैरह हो गया, हमें बोर्डिंग पास भी मिल गया था। अभी हमें बोर्डिंग गेट तक जाना था और वहाँ से हम लोग टर्मिनल 1 तक, एक वहाँ से मेट्रो जाती है, वहीं पे हम लोग मेट्रो से अभी हम जा रहे हैं। ये दुबई का ड्यूटी फ्री सेक्शन है, यहाँ से अभी हम लोग पास कर रहे हैं। फ्रेंड्स फ्रॉम दुबई, आज हम कोलकाता जा रहे हैं, मैं और मेरा छोटा बेटा। तो अभी यहाँ पे सुबह के अभी 8 भी नहीं बजे हम लोग आए हैं यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हमारा चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हम वेट करेंगे जस्ट फ्लाइट का, बहुत अभी देर है तो बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो ओके, फिर फ्लाइट में बैठने के बाद फिर मैं आपको फिर से शेयर करूंगी। ओके, सी यू अगेन। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए, लेकिन फ्लाइट हमारा 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट है, बहुत बहुत बुरा हाल है। Thank you.
अब बहुत लेट है फ्लाइट, हम लोग को जस्ट अभी दौड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं कोलकाता के लिए फ़्लाइट, दिल्ली से दुबई से इतना लेट चला इसलिए। ओके, सी यू इन कोलकाता। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। हम लोग पहुँचे कल रात को बहुत ही लेट, इसलिए मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। बट अभी आप जो क्लिप देख रहे हो, ये हमारे फ्लैट में ही है एक डॉग, बीगल डॉग, जो मेरा बेटा है बहुत उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और इतने महीनों से दूर रहा इसलिए दोनों में अभी बहुत बहुत बातें हो रही है। अब एंजॉय करो इस सीन को।